Very good morning, class first. Now today we will discuss exercise of chapter number 13. Chapter 13 अपन पढ़ रहे थे use of the. Chapter 13 था आपका use of the. ठीक है, तो आज हम इसकी exercise discuss करेंगे. आपके book में 2 exercise दे रखी है, page number 24. 24 page number पे exercise दे रखी है. Sorry, 25. चित्रों को देखिए और उनके नामों से पहले ए एंड तथ्या द लिखना है. आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के हिसाब से आपको जो दिख रहा है इसके साथ ए यूज होगा, द यूज होगा, एन यूज होगा, वो आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, बुक में करनी है. किसमें करेंगे, बुक में. तो आपको पिक्चर किसकी दिख रही है, फर्स्ट पिक्चर इज आउल. कौन है ये, आउल है. तो एन आउल क्या लिखेंगे हम, एन आउल. ओ क्या है हमारा, वॉवल है. क्या है, ओ वॉवल है, इसलिए हमने एन का यूज किया है. नेक्स्ट इज पेंसिल डैश, फिर अपन को अल्फाबेट दे रखा है पी, अ पेंसिल, अ पेंसिल. नेक्स्ट इज डैश आंट्स, डैश आंट्स ज्यादा है ना, तो ए और एन का यूज नहीं करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, द आंट्स. नेक्स्ट डैश रेट, अ रेट, अ रेट. नेक्स्ट एन अम्ब्रेला, पिक्चर किसकी है, ये अम्ब्रेला की, तो एन अम्ब्रेला. बुक्स यानी ज्यादा है, तो द बुक्स, द बुक्स हो जाएगा. द पिक्चर किसकी दिखाई दे रही है हमें, डॉल की, तो द डॉल्स क्या हो जाएगा, द डॉल्स. नेक्स्ट डैश एप्पल्स, द एप्पल्स, द एप्पल. नेक्स्ट राइट द करेक्ट वर्ड्स ए एंड द, ऑप्शन इज राइट द करेक्ट वर्ड्स ए एंड द. ओके, फर्स्ट इज डैश बॉक्स, हमें देखना है डैश बॉक्स. फिल इन द ब्लैंक से जस्ट बाद वाला लेटर देखना है हमें, तो क्या दे रखा है, बी. तो बी इज अ, बी हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे, अ बॉक्स. नेक्स्ट इज कप, सी यू पी कप, अ कप, क्योंकि सी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम अ का यूज करेंगे, अ कप. नेक्स्ट आयरन, आई आर ओ एन, आयरन. आयरन मतलब क्या होती है, स्त्री जो प्रेस करने वाली होती है उसे बोलते हैं हम आयरन. तो एन आयरन, क्योंकि आई क्या है हमारा वॉवल है, तो एन आयरन. नेक्स्ट डैश डॉल्स, तो द डॉल्स, द डॉल्स ज्यादा है, प्यूरल है तो द का यूज करना है, द डॉल्स. नेक्स्ट मैन, अ मैन, अ मैन. नेक्स्ट डैश काउस, सी ओ डब्ल्यू एस काउस, द काउस, द काउस. नेक्स्ट आ जाएगा अपना, नेक्स्ट इज बैग, बी ए जी बैग, डैश बैग. बी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो अ बैग. नेक्स्ट इज गर्ल, जी आई आर एल, अ गर्ल क्या हो जाएगा, अ गर्ल हो जाएगा. ठीक है ना, नेक्स्ट समझ आ रहा है ना आपको, टेबल डैश टी, टी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो अ टेबल. नेक्स्ट कार्स, सी ए आर एस कार्स, द कार्स, द कार्स हो जाएगा क्योंकि ज्यादा है. नेक्स्ट ऑफिस, ओ डबल एफ आई सी ई ऑफिस, डैश ऑफिस, ओ, ओ क्या है हमारा सॉरी वॉवल है, एन ऑफिस. नेक्स्ट चिल्ड्रन डैश चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब ज्यादा तो द चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, डैश क्रो तो अ क्रो, आ क्या हो जाएगा, अ क्रो. नेक्स्ट ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, ओ इज अ वॉवल तो एन ऑरेंज.
Next is pan. P-E-N, pan. तो pan हमारा क्या है? P क्या है? हमारा consonant है. तो consonant के साथ हमें पता है A का यूज करना है. A pan. So हमारी exercise जिसका कर ली हमने complete exercise हो गई है. First और second complete हो गया है हमारा. जो रह गए हैं बाकी तो मैंने करवा दिए. जो आपको रह गए हैं इसमें वो आपको खुद को फिल करना है. दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में भी फिल करनी है और ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करना है. ओके बच्चों, तो आपको ढंग से इसको चैप्टर नंबर 13 अपना कंप्लीट हो गया है. चैप्टर 13 में आपने 2 एक्सरसाइज डिस्कस करी आज, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपको डायग्राम दे रखा था उससे आपको समझा रहा था, ठीक है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज थी ए एंड द में हमने ए एंड द के अकॉर्डिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग ए एंड द को क्या किए हैं, फिल करा है. तो आपको ये डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश रीडर नोटबुक. इसमें करना है आपको, सॉरी रीडर में ही करना है. तो रीडर नोटबुक में आप इसको नोट डाउन करेंगे. चैप्टर 13 अपना कंप्लीट हो गया है. थैंक यू, बाय बाय.